बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जैसे कि मैंने मंच पर भी कहा कि मैंने पहली बार ये जाना कि 50 सालों में पहली बार एक अवार्ड सेरेमनी हो रहा है भोजपुरी सिनेमा के लिए, और मैं इसमें शामिल हुआ तो मुझे बेहद खुशी हो रही है, और उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, और यही कहना चाहता हूँ कि यही उम्मीद करता हूँ कि भोजपुरी सिनेमा जो है बहुत आगे चली जाए और उनको बहुत सफलता मिले। नहीं, टैलेंट ऑफ कोर्स इज़ रेकग्नाइज, जैसे यहाँ पे पॉपुलर अवार्ड्स भी है और जूरी अवार्ड्स भी है, तो जो क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स होंगी उनको डेफिनेटली जूरी रेकग्निशन देगी, और वो जो टैलेंट होएगा उसको डेफिनेटली अवार्ड्स मिलेंगे। ये बहुत अच्छी और सच्ची शुरुआत है। ये मेरे हिसाब से ये भोजपुरी सिनेमा का पहला अवार्ड है। भोजपुरी सिटी पहले भोजपुरी के लिए काम किया है, उसके बाद उसने अवार्ड लाया है। क्या बात है। तो ये बहुत ही स्वस्थ परंपरा की शुरुआत है, एंड मेरी पूरी शुभकामना है कि ये अवार्ड बरसों बरसों चलता रहे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भोजपुरी सिनेमा के स्वर्ण जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद, और आज जो हमारे फिल्म सिटी के तरफ से जो अवार्ड अनाउंसमेंट हुआ है, किशन खदारिया जी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये बहुत अच्छा प्रयास है, और भोजपुरी सिनेमा के लिए, भोजपुरी फिल्म के लिए ये अवार्ड हो रहा है, ये बहुत ही नेक काम है, और उनको मैं बधाई देता हूं। देखिए, ये लोग किस तरह से कर रहे हैं, इनका क्या क्या क्राइटेरिया है, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे एक बात का बहुत संतोष है कि भोजपुरी सिटी काफ़ी दिनों से भोजपुरी का काम कर, एक स्थापित पत्रिका होने के बाद ये पुरस्कार शुरू कर रही है, और जैसे अब भैया हैं उदित नारायण भैया, अब ये तो इनको खुद ही नहीं याद रहता है कि ये क्या है। आप अगर थोड़ा सा समझें कि ये जो व्यक्ति हम लोगों के बाईं तरफ बैठा हुआ है, आपने कहा ना कि इस देश के जितने बड़े बड़े हीरो, शाहरुख हो, आमिर हो, कोई भी हो, इनकी आवाज़ के बिना वो लोग भोजपुरी सिनेमा के, हमारे मनोज जी हों, साउथ के, यहाँ के, इन्होंने हर भाषाओं में गाया है। सारी दुनिया में अनेक हीरो को सुपरस्टार बनाने के बाद हम ये कह सकते हैं कि उदित नारायण हमारा है भोजपुरी का। थैंक यू।